हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी सीए एंड एबी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दिस एंड दिस। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि डी ई एफ हमारी क्या है, मिड पॉइंट है बीसी सीए एंड बीए के, और हमें ये दो ट्रायंगल्स को क्या करना है, आपस में सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हमें जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है कि हमें कुछ लाइंस को पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, गिवन क्या है, डी इज मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, बी डी इज इक्वल टू डी सी, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, सिमिलरली ठीक है, उसके बाद आगे कीजिए, ई ई इज मिड पॉइंट ऑफ सी ए, ई क्या है, मिड पॉइंट है सी ए का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ई इज इक्वल टू ई सी लिख सकते हैं हम। ठीक है, उसी तरीके से एफ क्या है, मिड पॉइंट है किसका है, एफ मिड पॉइंट ए बी का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एफ इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से अब हम लिख सकते हैं। अब हमने क्या कहना है कि अगर मैं ए एफ बाई इज इक्वल टू एफ बी को ए ई बाई ई सी को, ठीक है, इसको डिवाइड कर दूं, दैट इज डिवाइड इक्वेशन थ्री बाय टू, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट ए एफ इज इक्वल टू एफ बी है, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया ए ई बाई ई सी से, कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जब हमें ए एफ बाई ए ई इज इक्वल टू एफ बी बाई ई सी है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ, एफ ई इज पैरेलल टू बी सी। एफ ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। इसमें हमने कौन सी थ्योरम लगाई, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं हम इस तरीके से सिमिलरली। ठीक है, अगर हमारा एफ ई पैरेलल है बी सी के, तो डी ई पैरेलल होगा ए बी के, एंड डी ई हो गया और एफ ई हो गया, एफ डी पैरेलल होगा ए सी के। ठीक है, तो इसलिए हम सिमिलरली करके ये चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ये दो पैरेलल है लाइंस आपस में, ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, दैट इज एफ ई एफ डी बी डी एफ। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमने क्या कहा है कि जो हमारी एफ ई है वो पैरेलल है बी सी के, जो एफ ई है वो पैरेलल है बी सी के, और हमारी जो एफ डी है वो क्या है, ट्रांसवर्स, क्या है, ट्रांसवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर हमारी ये पैर, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हमारी ये लाइन दोनों भी पैरेलल है, तो जो ये हमारा ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें हमारा क्या कंसेप्ट लगा, डी ई इज पैरेलल टू ए बी, डी ई पैरेलल है ए बी के, और ट्रांसवर्सल क्या होगी हमारी, डी एफ इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी बी डी एफ एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, वी हैव एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू बी डी एफ एंड एफ डी ई इज इक्वल टू डी एफ बी, प्रूव्ड अबव, देयरफॉर बाय एंगल एंगल रूल
वी कैन से दैट ट्रेंगल एफ बी डी, ठीक है, ट्रेंगल एफ बी डी, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन दिया हमें वही लिखना है, इज सिमिलर टू ट्रेंगल डी ई एफ। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या देखना है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है, डी ई एफ और ए बी सी। अब इसके लिए हम क्या कहेंगे, जो हमारा एंगल डी है वो एंगल ए के इक्वल होएगा और जो हमारा एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल होएगा। क्यों होएगा, देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा एफ डी है वो ए के पैरेलल होगा, ठीक है, ई डी हमारा ए एफ के पैरेलल है। एज वी सी डी ई इज पैरेलल टू ए एफ, जो डी ई है वो पैरेलल टू ए एफ है, एंड बी डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, इट मीन्स ए एफ डी ई इज ए पैरलोग्राम। ठीक है, और अगर ये पैरलोग्राम है तो देयरफॉर क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सिमिलरली ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, क्यों है, बिकॉज एज, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई बिकॉज जो हमारा, ठीक है, बी एफ ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, we have angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E. Proved above, है ना, हमने proved above कर दिया। Therefore, by angle-angle rule, we can say that triangle DEF is similar to triangle ABC. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को करना है। Hence,